हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल एवरीडे मील्स विद शाई। अगर से आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाली रेसिपीज़ की नोटिफिकेशन आपके पास फौरन पहुंचे। और मेरे बहुत से व्यूअर्स हैं जो कि मुझे सब्सक्राइब नहीं किए हैं लेकिन मेरी रेसिपीज़ देखते हैं, थैंक यू, तो आप सब्सक्राइब भी कर दीजिए। तो आज हम बनाने वाले हैं ग्रीन टी, और ये बहुत ही हेल्दी टी है, बहुत ही हेल्दी चाय है, हर तरह से इसके फ़ायदे हैं। तो चलें देखते हैं। अब ग्रीन टी बनाने के लिए मैंने ली है दो तरह की ग्रीन टी की पत्ती। एक तो नॉर्मल पत्ती है जो कि हमें चाय की दुकान से मिल जाती है, हम ग्रीन टी बोलेंगे तो वो दे देते हैं, और एक है टी बैग वाली जो अलग अलग कंपनीज़ की मिलती हैं, टेटली की है, लिप्टन की है, बहुत सी कंपनीज़ की ग्रीन टी बैग्स में मिलती हैं। तो मैंने दोनों तरह की ली है, और एक टुकड़ा अदरक का लिया है जिसे रफली हम काट लेंगे क्योंकि हमें इसे पानी के साथ में उबालना है। नींबू चाहिए होगा फ्लेवर देने के लिए, और शहद चाहिए होगा क्योंकि ग्रीन टी जो है वो हल्की सी कड़वी की तरफ होती है, तो हम शहद डाल लेंगे। आपको नहीं डालना है तो ना डालें। मैं बना रही हूँ 2 कप ग्रीन टी, तो उसके लिए मैंने लिया है 2.5 कप पानी, 2.5 कप वाटर लिया है, और इसमें अब हम डालेंगे अदरक। अदरक डालने के बाद हमें इसे इतना पकाना है कि पानी जो है वो सिर्फ 2 कप रह जाए, और अदरक के सारे जूसेस जितने भी अरक है अदरक का वो पानी में आ जाए। अब यहाँ ये खूब अच्छे से बॉईल हो रहा है और पानी भी थोड़ा रिड्यूस हो गया है, तो हम अब ग्रीन टी बनाते हैं। तो ग्रीन टी बनाने के लिए बस हमें इसे इतना ही पकाना है, अब हमें नहीं पकाना है। तो मैं ग्रीन टी का जो बैग है वो खोल रही हूँ, टी बैग, और इसे कप में डालूँगी, और वो जो पानी हमने बॉईल किया है वो डालेंगे, और ये टी बैग वाली ग्रीन टी जो है वो रेडी हो जाएगी। लेकिन अगर से आपको इसमें फ्लेवर्स चाहिए हैं तो आप इसमें नींबू और शहद भी डाल सकते हैं, लेकिन अगर से नहीं चाहिए है तो बस ऐसे ही आप इसे पी लीजिए। अब दूसरी पत्ती वाली ग्रीन टी बनाने के लिए हमें ये बॉइलिंग वाटर में, एकदम बॉइल हो रहा है जब पानी, तो पत्ती डाल के चूल्हा फौरन हमें बंद कर देना है। यहाँ आपको दिखाने के लिए मैंने चूल्हे पे से इसे हटा लिया है, और ये पत्ती एकदम बॉइलिंग वाटर था, मैंने चूल्हे पे से जस्ट हटाया है, और 1 चम्मच मैंने पत्ती का डाला है और इसे ढक दिया है। ये 1 मिनट तक ढक के हमें रखना है, और 1 मिनट के बाद जब हम इसे खोलेंगे तो हमारी ग्रीन टी जो है पत्ती वाली वो भी रेडी हो गई है। इसे भी हम छान लेंगे, और हमारी पत्ती वाली ग्रीन टी भी रेडी हो गई है। ये एक नॉर्मल सी चाय हमने रेडी की है, ग्रीन टी रेडी की है। अब इसमें हम फ्लेवर्स देंगे, तो आपको अगर से शहद डालना है तो डालिए, ग्रीन टी थोड़ी सी कड़वी होती है तो आप शहद डाल के इसको पीजिए, और नहीं डालना है तो ना डालें। अब मैंने दोनों कप में 1-1 चम्मच शहद का डाल दिया है। जो टी बैग वाली ग्रीन टी है वो अलग अलग फ्लेवर्स में भी मिलती है, लेमन एंड मिंट, जिंजर एंड हनी, इस तरह से। अच्छा, यहाँ अब मैं इसमें नींबू निचोड़ रही हूँ ताकि थोड़ी सी खटास भी आ जाए, खट्टी मीठी लगे, अच्छी लगे पीने में, बहुत अच्छी लगती है ये पीने में चाय। और हमारी ग्रीन टी जो है वो तैयार है। देखिए दोनों चाय में कोई फ़र्क नहीं है, सेम है, लेकिन मुझे पत्ती वाली ज़्यादा अच्छी लगती है, और ये बहुत ही हेल्दी चाय होती है। हर तरह से इसके बहुत से फ़ायदे हैं, इससे आपका इम्यून सिस्टम बढ़ता है, आपकी डायबिटीज़ जो है वो कंट्रोल में रहती है, कोलेस्ट्रॉल कंट्रोल में रहता है, काफ़ी फ़ायदे हैं इसके। लेकिन एक बार नहीं, अगर से आप रेगुलर पीते हैं तो। और ग्रीन टी जो है वो वेट लॉस के लिए भी बहुत इफ़ेक्टिव है। उम्मीद है आपको ये रेसिपी अच्छी लगी होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।